एक बहुत ही कमाल की साइफाई थ्रिलर मूवी द ब्लैक होल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है चार्ली, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, एंड वो ऑफिस में लेट नाइट वर्क कर रहा होता है। मतलब उसका जो शिफ्ट होता है वो रात का शिफ्ट रहता है, एंड वो वर्क कर रहा होता है। वो देखता है कि प्रिंटिंग मशीन सही से काम कर नहीं रही है, तो वो प्रिंटिंग मशीन के बटन को बार बार दबाता है, और फिर वो प्रिंटिंग मशीन को अपने लेग से भी मारता है। फिर प्रिंटिंग मशीन से एक पेपर बाहर आता है जिसमें एक ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ होता है। ऑफिस के वर्क के कारण चार्ली पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है, एंड ये ब्लैक कलर के पेपर को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो प्रिंटिंग मशीन को खोलकर चेक करता है कि आखिर प्रिंटिंग मशीन में कुछ खराबी तो नहीं है। चार्ली जब प्रिंटिंग मशीन को खोलता है तो वो देखता है कि प्रिंटिंग मशीन में तो सब कुछ नॉर्मल है, ये तो बहुत ही आराम से वर्क कर रहा है, मतलब नॉर्मली जैसे वर्क करता है। फिर चार्ली अपने कप में भरे हुए कॉफी को वापस पीता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कॉफी पीने के बाद वो कॉफी के ग्लास को उस पेपर के ऊपर रखता है, बट वो गौर करता है कि वो ग्लास तो अंदर चला गया, मतलब वो जो पेपर पे सर्कल बना हुआ है उसके अंदर वो ग्लास चला जाता है। चार्ली अपने हाथों की मदद से उस सर्कल के अंदर डालकर उस ग्लास को वापस निकालता है। एक तरह से चार्ली पूरी तरह से हैरान रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता आखिर ये पेपर है क्या। उस पेपर को वो ट्राई करने के लिए फिर से उसके अंदर अपनी हाथ घुसाता है, एंड फिर से उसका पूरा हाथ उसमें बहुत ही आराम से घुस जाता है। चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे तो एक बहुत ही कमाल की चीज मिल गई है। वो सबसे पहले इस पेपर को ऑफिस में रखे वेंडिंग मशीन में ट्राई करता है। वेंडिंग मशीन पे पेपर लगाने के बाद वो वेंडिंग मशीन से कुछ चॉकलेट्स निकाल लेता है, एंड बहुत ही मजे से खाने लगता है। अब तो चार्ली सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार चीज है। चार्ली मन में ये सोचने लगता है कि आखिर इस पेपर से वो क्या क्या कर सकता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो लॉकर रूम देखता है, वहां पर देखता है कि बहुत सारे पैसे होंगे, चलो अब इसको लूटा जाए। तो सबसे पहले वो लॉकर रूम के दरवाजे को खोलता है, फिर उसके अंदर जो लॉकर रहता है उसके ऊपर उस पेपर को लगाता है, एंड फिर उस लॉकर से सारे पैसे निकाल लेता है। धीरे धीरे करके उसने सारे पैसे निकाल लिए होते हैं। फिर वो देखता है कि उसका हाथ अंदर पहुंच नहीं रहा। अब उसने सोचा कि उस सर्कल के अंदर वो घुस के और भी पैसे जो बाकी है वो सारे पैसे भी वो निकाल लेगा। जब वो सर्कल के अंदर घुसता है तो वो पेपर का सेलो टेप वहां से उखड़ जाता है, एंड वो पेपर नीचे गिर जाता है, एंड चार्ली हमेशा के लिए लॉकर में बंद हो जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, एंड इस मूवी में आगे कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये एक शॉर्ट सी फिल्म है, एंड इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डीप मैसेज दिया गया है। आपका क्या सोचना है इस मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मैंने एक्सप्लेन करने में अगर कुछ गलती की हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना।